हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे शाही पनीर। उसकी रेसिपी देख लीजिए। दो बड़े प्याज लेना है, दो टमाटर, थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी अदरक टुकड़ी में, दो मिर्ची और 15-20 काजू लेनी है। इसको अलग अलग पेस्ट बना लेना है। चलिए, हमने इसको कट करके धो लिया है। अब हम इसको पेस्ट बनाएंगे। देखिए, हमने प्याज को पेस्ट बना लिया, टमाटर पेस्ट बना लिया, लहसुन अदरक के भी बना लिए। थोड़ा सा दो बड़े चम्मच दही ले लिए, थोड़ा सा काजू ले लेना, भिगो देना पहले, फिर इसको काजू को पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद से शाही पनीर की रेसिपी बनाएंगे तो आपको बताएंगे। देखिए, हमने काजू को डाल लिया, अब इसको भी पेस्ट बना लेंगे। अब देखिए, हमारा शाही पनीर के सारे मसाले रेडी हो गए। अब हम बनाने जा रहे हैं, फिर आपको रेसिपी शेयर करेंगे। काजू लेना है, दही लेना है 2 बड़े चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 बड़े चम्मच, प्याज लेने हैं 2 बड़े टमाटर लेने हैं। अब जा रहे हैं हम बनाने, फिर आपको बताएंगे। देखिए, 250 ग्राम पनीर लेने हैं, इसको पीसेस में काट लेने हैं। जितना आपको बड़ा पीसेस चाहिए उतने काट लेना है। बाकी सारे मसाले रेडी है। अब देखिए, पनीर को हमने काट लिया है, जितने हिसाब चाहिए उतने हिसाब से पीसेस बना लिए। अब जा रहे हैं बनाने। देखिए, तड़के देने के लिए हमें 2 तेज़पात चाहिए, 2 टुकड़े में दालचीनी चाहिए, 2 मोटी इलायची चाहिए, 1-2 लौंग चाहिए और 2 हरी मिर्च चाहिए। इसको हम तड़के लगाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई गर्म करें, उसमें तेल डालें और उसमें हम फ़ोरन डालेंगे, 2 तेज़पात डालेंगे, 2 दालचीनी डालेंगे, 2 मोटी इलायची डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे, 2 हरी मिर्च डालेंगे, 1 ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। इसमें प्याज के पेस्ट डालेंगे पहले, प्याज डाल दिया हमने। अब इसको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, हमारा प्याज हल्का फ्राई हो गया। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी हम 5-10 मिनट फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। उसके बाद टमाटर के पेस्ट डालेंगे, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो गया, फ्राई हो गया। और हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर को भी कम से कम 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। उसके बाद से डालेंगे काजू का पेस्ट, उसके बाद लास्ट में दही पेस्ट डालेंगे। अब देखिए, अब हम इसमें अभी सिर्फ हल्दी ही डालेंगे, बाकी का मसाला हम लास्ट में डालेंगे। 1.5 चम्मच छोटे चम्मच से हल्दी डालेंगे, एक चम्मच गरम
गरम मसाला डालेंगे, हमारे घर में कम तीखा खाते हैं इसलिए मैं थोड़ी सी मिर्ची डालूँगी, आप अपने हिसाब से डाल लेना। हम इसको टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कम से कम 5 मिनट तक, उसके बाद काजू के पेस्ट डालेंगे और लास्ट में दही डालेंगे। 5 मिनट तक अच्छी तरह से, अब हम इसमें काजू के पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसके स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप जैसे खाते हैं उस हिसाब से डाल लीजिएगा। देखिए हम नमक डालेंगे इसमें, काजू भी हमारा फ्राई हो गया, काजू मसाला अच्छी तरह से तेल बाहर आने लगे तो समझ लिया ना मसाला फ्राई हो गया। हम इसको दही डालेंगे, आराम आराम से कम से कम 5 मिनट तक फ्राई कर दो, उसके बाद हम दही डालेंगे जिससे कि तेल ना छोड़ के, उसके बाद हम दही डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मसाले देंगे के गांठ से सर दे देंगे। हमने ऐसे ही डाल दिया, पहले मसाला चाहिए था, आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग पहले ही इसको कर लेना उसके बाद डालना। देखिए अब हम इसमें धनिया डालेंगे, कुछ धनिया नहीं डाले थे, एक चम्मच धनिया डालेंगे। अब इसको आराम से कम 2 या 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, उसके बाद से इसे पानी डालेंगे, पानी में उबाल आ जाएंगे उसके बाद पानी डाल देंगे। ये दोस्तों एवरेस्ट का शाही पनीर, मसाले भी डाल सकते हैं 1-2 चम्मच के करीब, थोड़ा सा डालेंगे हम। बस इतना ही डालेंगे, सारे मसाले भून गए अच्छी तरह से। देखिए बिल्कुल हलवाई की तरह दही में आँच पे इसको हल्के हल्के फ्राई करिए। अब हम इसको पानी डालेंगे, आपको जितना पानी डालना है अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। चावल रोटी के साथ दोनों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, एक बार ट्राई जरूर करना घर पे। अब हम इसको ढक कर देते हैं, 1-2 उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे, उसके बाद हमारा शाही पनीर रेडी हो जाएगा। ये उबाल आ गया है मसालों में, अब हम इसमें पनीर के टुकड़े डालेंगे। एक बार तो कितने शाही पनीर में मलाई भी डलती है, दूध भी डलती है, पर हमारे घर में दूध वाला कोई नहीं खाता और मलाई वाला, तो मैं दही वाला ही बनाता हूँ।
दही वाला भी सही है, आप लोग अपने हिसाब से ट्राई करना। मलाई दूध दोनों ही डालते हैं। अब देखिए हमारा शाही पनीर बस 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। एक उबाल उबालने तक इसका इंतज़ार करेंगे। अगर आपके पास धनिया हो तो धनिया डाल डेकोरेशन करें, हमारे पास नहीं है नहीं डाल रहे। देखिए हमारा शाही पनीर बन के रेडी है। हम ज़्यादा उबालेंगे तो पनीर टूटने लगेंगे, इसलिए गैस को करते हैं ऑफ और दूसरे बर्तन में निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए कितना कलर अच्छा आया है, आप भी ट्राई करेंगे। देखिए कलर कितना प्यारा आया है, हमारा शाही पनीर बन के रेडी हो गया। एक बार आप भी ट्राई करें इसको। के लिए थोड़ी सी ऊपर से मलाई डालेंगे, धनिया नहीं है इसलिए। मलाई डाल के अब देखिए हमारा शाही पनीर रेडी है। एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। इधर उधर घूमने से तो सही है, हम अपना काम करें। देखिए एक बार मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। चावल और रोटी के साथ दोनों ही अच्छे लगते हैं, आपको जो पसंद है उस हिसाब से। रोटी ये हमारा शाही पनीर, कलर देखिए कितना प्यारा है, ऐसे सर्व करेंगे। देखिए हमारा खाना तैयार है। देखिए कितनी अच्छी पनीर शाही पनीर बनी है, आप लोग भी ट्राई करें एक बार। रोटी और चावल दोनों के साथ सर्व करें। बाय दोस्तों, थैंक यू।